कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये कहावत सच कर कर दिखाए हैं पटना सिटी के युवा समाज सेवी संजीव कुमार यादव जी ने, सत्य कर दिखाया। इसका उदाहरण है आज निर्धन सिख परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किए, लगभग 300 परिवारों के बीच चेहरे पर एक मुस्कान ला दिए। इस संकट के समय जो उन्होंने कार्य किए वो सराहनीय है। प्रसिद्ध युवा समाज सेवी संजीव कुमार यादव जी ने पटना साहिब के तमाम सिखों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस कार्यक्रम में बिना भेदभाव के, बिना मजहब के तमाम धर्मों के बीच अनाज वितरण किए तथा अपनी बातें रखे कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक यह अनाज वितरण गरीबों के बीच करते रहेंगे। आज वितरण में 5 किलो आटा, 4 किलो चावल, 500 ग्राम सरसों के तेल, 500 ग्राम चना के दाल, 1 किलो नमक इत्यादि वितरण किए। आज लगभग 300 सिख परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। और संजीव कुमार यादव जी ने बताया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम राहत सामग्री का कार्य करते रहेंगे। ये रहा पटना सिटी के युवा समाज सेवियों में से एक संजीव कुमार यादव जी। इस अवसर पर उनके साथ सूरज प्रसाद, अमर यादव, मनोज कुमार, मनोज यादव एवं अन्य लोगों ने बखूबी साथ दिए। संजीव जी, अभी जो देश में 4 मजहब होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपको ये देख रहे हैं कि हिंदू जब भी किसी तरह का फेस्टिवल होता है उसमें भी आपने तमाम लोगों को अनाज वितरण किया, मुस्लिम में भी दिया है, आज का सिख का क्या वजह है? सिख हमारे घर के बगल में गुरुद्वारा है, वहाँ सेवादार लोग रहते हैं, क्योंकि सेवादार लोग को अभी करीब 2 महीने से वेतन उतन मिला नहीं था, इसी के कारण कुछ सिख लोग आए थे तो कल जा करके सब कुछ कम दिए हैं, सब राशन दे रहे हैं, सिख लोग को हम तो देते हैं, ये आपको रोजा में भी दिए थे, रोजा जाया हुआ था और इसके अगले साल भी कोरोना के समय रोजा हुआ था, उस समय भी मुस्लिम लोग को दिए थे, अगले साल भी सिख लोग को दिए थे, लेकिन अब तो और 2 महीने से वेतन नहीं मिला था, इसी कारण सोचे कि सबको दिया जाए तो सब लोग देने के लिए तैयार भी हैं, जरूरत भी था इनको। कितने अभी तक आए हैं सिख परिवार? लगभग 50% आ चुके हैं, पता चला है जैसे जैसे आ रहे हैं, सभी को देना है। उस बीच में मुस्लिम लोग भी आ रहे हैं? हाँ, मुस्लिम लोग भी आ रहे हैं, रोजा के समय भी मुसलमान को दिए थे। क्या उद्देश्य है ये अनाज वितरण जो आप कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? आसपास सबसे जुड़ाव है, बातचीत है, कोई भूखा न रहे, और हिंदू धर्म और सिख धर्म और मुस्लिम धर्म क्या है, सभी धर्म एक, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि तो बढ़ गई है। बढ़ गई है तो सेवा भी बढ़ेगा, सेवा करते रहेंगे। अनाज में 5 किलो आटा, 4 किलो चावल, 1/2 किलो कड़वा तेल है, अभी कड़वा तेल महंगा पड़ रहा है खरीदने में, इसी कारण 1/2 किलो कड़वा तेल है, नमक है, 1 किलो दाल है। आपने देखा होगा कि पिछले बार भी संजीव कुमार यादव ने राशन वितरण किया था, वो काफ़ी अच्छा समाज सेविक है, समाज सेवा भी करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि आगे भी करते रहेंगे, और पिछले बार की तरह इस बार भी राशन हमारे घर पर आए हैं, हम लोगों से मिले, हमारे हाल चाल को पूछा है, और उनके बाद ये जो योजना दे रहे हैं काफ़ी हम लोग प्रभावित हैं इनसे, उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह का योजना देते रहे हैं। ये योजना सरकारी योजना नहीं है, खुद अपना पर्सनली मतलब किया गया है? बिल्कुल। सरकारी राहत कहीं से मिला है आपको? जी अभी तक तो नहीं मिला है। अच्छा अच्छा। जी अभी तक तो वार्ड नंबर 66 में एक पहला व्यक्ति है जो संजीव कुमार यादव, जो कि घर घर जा करके वो चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी मतलब रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो हर हर घर पे जा रहे हैं, हर से हाल चाल पूछ रहे हैं, और जहाँ तक हो रहा अपना सहयोग भी कर रहे हैं, मतलब धर्म से हट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिना मतलब अलग तरह का समाज सेविक है, लोगों को घर जाना है सबसे बड़ा ही पुण्य का काम है, सबसे बड़ा इंसानियत एक सबसे बड़ा धर्म है जो कि ये पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ चौक, पटना सिटी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।